हाँ देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जेनेटिक्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? जेनेटिक्स। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जेनेटिक्स के, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। और जो भी पढ़ाना होगा जेनेटिक्स, पहला चैप्टर शायद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, क्या है पहला टॉपिक है, पहला जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहते किसे हैं? देखो जेनेटिक्स कहते किसे हैं? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, पहली बात, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? वी स्टडी अबाउट, हम अध्ययन करते हैं किसका? वी स्टडी अबाउट जीन, दियर एक्सप्रेशन, वेरिएशन, ETC, कार्डेज, क्या कहते हैं इसको हम? जेनेटिक्स कहते हैं, इसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। कौन है? ग्रेगर जहान मेंडल इज नोन एज एक अच्छा ना, उस लोग जानते हैं, इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हाँ 10 में था, मैं पढ़ाया हुआ हूँ 10 में, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सुनो, हाँ 1 मिनट है, 10 में, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंने कहा बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जीन का, उसके एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन वो क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, और वेरिएशन, कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं इसके विषय में, इसको हम बोलते हैं क्या? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो फादर हैं उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मेंडल साहब थे, इनको ये उपाधि बाद में मिली मरने के बाद। जितना एक्सपेरिमेंट वो किए थे, एक्सपेरिमेंट जीता नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई जानता भी नहीं था। वो अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, पूरा थीसिस लिखे थे वो। जब उस पर सब बाद में जीन की डिस्कवरी हुई, जब बाद में जीन की डिस्कवरी हुई, और जीन की डिस्कवरी होने के बाद जब उसके बाद उस पर स्टडी किया गया, तो उनका काफ़ी जो जो प्रिंसिपल थे वो क्या होते सही थे। तब उसके आधार पर उनको जो है, सुनो, जब उनका प्रिंसिपल सही निकला तब उनको जो है उपाधि दी गई थी। बात समझे? अब बहरहाल दूसरा है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स से फादर कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टी एच मॉर्गन, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं। टी एच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं।
कुछ टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स के जिसके विषय में जानना आपको अति आवश्यक है। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, एलील्स किसे कहते हैं, एलील्स कोई पूछे को व्हाट इज एलील्स, टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड एलील्स। जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म भी क्या कहलाता है, एलील्स। एलिलोमार्फ्स किसे कहते हैं, एलिलोमार्फ्स। दूसरा है एलिलो मार्फ्स एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स कॉल्ड एज एलिलो मार्क्स। एलील्स के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एलिलो मार्क्स बोलते हैं। हो गया, एलील्स के एक्सप्रेशन को एलिलो मार्क्स कहते हैं। हो गया, इरेज करें। हाँ सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक है जीन किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, पार्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए विच प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक प्रोटीन एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, जीन। इसका मतलब जीन कुछ भी नहीं, डीएनए का पार्ट है। जीन क्या है, डीएनए का पार्ट, जो पार्टिकुलर टाइप प्रोटीन बनाता है, पार्टिकुलर टाइप कैरेक्टर। जैसे नाक बनाने वाला जीन अलग होगा, बाल डेवलप करने वाला जीन अलग होगा, दांत बनाने वाला जीन अलग होगा, एपिथेलियल टिश्यू बनाने वाला जीन अलग होगा, ये सब अलग अलग हैं, तो उसको हम जीन बोलते हैं। अगली बात, होमोजाइगस एलील्स किसे कहते हैं,
होमोजाइगस एलील्स, होमोजाइगस एलील्स किसे कहते हैं? होमोजाइगस एलील्स होमोजाइगस एलील्स होमोजाइगस एलील्स देखो सेम टाइप एलील इफ सेम टाइप एलील एलील्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म तो उसको क्या बोलेंगे? अगर सेम टाइप एलील प्रेजेंट है कहाँ पे, सेम टाइप के एलील्स प्रेजेंट है कहाँ पे इनऑर्गेनिक, तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। जैसे एग्जांपल है कैपिटल टी टी, ये होमोजाइगस एलील्स है। सुनो, होमोजाइगस एलील्स कैपिटल टी टी है, ठीक। स्मॉल टी टी क्या है? ये भी क्या है? होमोजाइगस एलील्स है। हो गया, वो एक मुड़वा पर रख लो, वो एक उठा के मुड़े पर रख लो। मेजबा तू खाली हम अपने हाथ तक लात खाए बिना बेकार भए हो। जैसे टेंथ में तोड़ते थे ना डंडा डंडा, वैसे तोड़ना सही रहो तू। हो गया, होमोजाइगस एलील्स। सुनो, फिर कब बना रहे नहीं देखा तो अब मतलब अगो आप चलना है। हो गया, होमोजाइगस एलील्स। नेक्स्ट है हेटरोजाइगस एलील्स, हेटरोजाइगस एलील्स आज एलियंस का मतलब आप समझते हैं, एलियंस मतलब जीन होता था, कुछ है नहीं, समझ रहे हैं। हेटरोजाइगस एलील्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स। अगर एलील्स क्या है? डिफरेंट टाइप के हैं, बोलिए ना। एग्जांपल जैसे है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लेंथ के लिए ही है, लेकिन एक लंबा के लिए एक छोटा के, लेंथ के लिए दोनों है लेकिन एक क्या है, लंबाई के लिए है तो एक छोटाई के लिए है। मतलब ड्वार्फिज्म के लिए एक है, एक किसके लिए है? टाल के लिए। ये किसके लिए होगा? ये टाल के लिए है, ये ड्वार्फ के लिए है। ये एकदम छोटा बना देगा, ये बड़ा बना देगा, दोनों हैं डिफरेंट टाइप के, इसी को बोलते हैं हेटरोजाइगस। इसमें दोनों टाल के लिए हैं, दोनों स्मॉल के लिए हैं, बोलिए ना, ड्वार्फ के लिए हैं, वही दोनों बता रहे हैं हम। ये हेटरोजाइगस एलील्स हो गया, होमोजाइगस हेटरोजाइगस एलील्स, बोलिए ना। अगला है छठा, देखिए सब मैं भी करेक्ट वो बता रहा हूँ, उसके कुछ जो टर्म यूज किए जाएंगे बार बार। डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, दोज कैरेक्टर those character which appears
इन एफ वन जनरेशन कॉल्ड दोज कैरेक्टर विच अपीयर इन एफ वन जनरेशन कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक ठीक है, तुम्हारा होगा, तुम रहने दो, हो गया, हम इरेज करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। सुनो, रिसेसिव कैरेक्टर, जैसे रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर में एग्जांपल जैसे है टाल प्लांट, टाल प्लांट कैपिटल टी टी। अगला है सेवेंथ, हो गया डोमिनेंट के बाद रेसेसिव, रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर। देखो सब सुन लो, रेसेसिव किसे कहते हैं, दोज कैरेक्टर विच मास्क्ड इन, दोज कैरेक्टर्स विच आर मास्क्ड इन, मास्क्ड मतलब दब जाता है, छिप जाता है, मास्क्ड इन एफ वन जनरेशन कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर। एग्जाम्पल जैसे हैं स्मॉल टी टी, किसके लिए है, ड्वार्फ के लिए, बोलिए ना स्मॉल टी टी कैसा है, रेसेसिव है, क्या है ये, रेसेसिव। समझ में आई बातें, हाँ भैया, तभी टी डोमिनेंट है, यही वाला कैरेक्टर आएगा इसी का, इसका कैरेक्टर छिप जाएगा, हो गया। हाँ छोटा बनाने के लिए होम हो जाएगा, सही है, हो गया। हाँ सुनो, चलो तुम्हारा काल घेरे है, नेक्स्ट है
मोनो हाइब्रिड का जो भी होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, नंबर नहीं लिखेंगे, स्थिर का निशान लगा देते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चलो इसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताओ जी, खड़े हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? ठीक है, हमें डिफिनीशन बताओ, मोनो मतलब मोनो, सिंगल में सिंगल, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताओ। हाई स्कूल पढ़े नहीं थे, बैठ जाओ और सामने देखना एकदम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वेन क्रॉस अकर्स बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैरेक्टर कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी को सिंगल जीन कंट्रोल्ड क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रॉस बिटवीन बिटवीन टाल प्लांट ऑफ पी एंड ड्वार्फ प्लांट ऑफ पी। अगर टाल प्लांट ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। हो गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस इसको क्या बोलते हैं? व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन One pair, two pair of, जब दो पेयर के बीच में, पहला वन पेयर के बीच में था, क्रॉस सर्कल बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विरोधात्मक, इधर देखो, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विरोधात्मक, जैसे बड़ा है तो छोटा, तो विरोधिक है ना, पीला है तो हरा है, समझ रहे हैं, हरा है तो पीला, लाल है तो वाइट है, बोलो ना, हाँ वाइट ब्लैक हो, उसको भी हो सकता है। व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल है डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं इसको,
एग्जाम्पल है येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकेल्ड, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकेल्ड। यहाँ पे कैपिटल वाई वाई है कैपिटल आर आर, स्मॉल वाई वाई है स्मॉल आर आर। कैपिटल वाई येलो के लिए, कैपिटल आर राउंड के लिए। येलो के लिए है ये राउंड के लिए है। यहाँ पर स्मॉल वाई वाई ग्रीन के लिए है, यहाँ आर आर राउंड के लिए है। किसके लिए है? राउंड के लिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हो गया? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। इरेज करें? बोलिए भाई। हाँ बोलिए। क्रॉस अकर्स बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड। येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड का है? हाँ ग्रीन रिंकल्ड हो, ये तो लिख देते हो ना तब। हाँ ऐसे बोलो ना, ग्रीन रिंकल्ड। येलो राउंड है ये और ये ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है? समझ रहे हैं ना? येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड। इरेज करें? F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F2 है सेकेंड, जो आपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है उसका पहला जनरेशन। और ये कौन है? FE है ना, बस। तो उसमें क्या प्रॉब्लम? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। आई ही है तब का परेशान, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिर दूसरा क्या है? सेकेंड फिलफिलाक जनरेशन हो गया, फिलियल। कहीं कहीं तो ठीक है ना, सेकेंड फिलियल जनरेशन। टर्मिनोलॉजी में सब लिख रहा हूँ अभी, सेकेंड फिलियल जनरेशन सब टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं, ताकि आपको जब बोले तो आपको दिमाग क्लिक करे कि यहाँ पे ही बात बताए थे। हो गया? टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस
टेस्ट क्लास किसे कहते हैं? व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन F1 प्रोजेनी का मतलब पहला जनरेशन होगा, F1 प्रोजेनी विथ रेसेसिव पेरेंट। शर्त है यहाँ पे किस पेरेंट से? रेसेसिव पेरेंट। इसको क्या बोलते हैं? कार्ड टेस्ट क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कार्ड एज टेस्ट क्रॉस। इट इज टाइप ऑफ बैक क्रॉस, याद रखिएगा इसको। इट इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। यूज फॉर, इसका कब यूज करते हैं? यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसका रेशियो 1:1 का आता है और 1:1:1 का डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो आता है। हो गया? जैसे ये आपने क्रॉस कराया हुआ है कैपिटल TT का स्मॉल TT से, तो पहले जनरेशन में कौन आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, टाल ही आएगा ना। ये टाल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, बोलिए ना यार। और इसका ये F1 प्रोजेनी है। कौन प्रोजेनी है? F1। इसका क्रॉस हम किससे करा दें? इससे। तो ये कौन हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। और अगर इसी का हम क्रॉस किससे करा दें? इससे। ये टेस्ट क्रॉस हो गया। और अगर डोमिनेंस करा देते कौन हो गया? बैक क्रॉस। इसका मतलब टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, मगर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब टेस्ट क्रॉस किसके अंतर्गत आएगा? बैक क्रॉस के अंदर। लेकिन टेस्ट क्रॉस के अंदर बैक क्रॉस नहीं आ सकता। दूसरा है बैक क्रॉस। नेक्स्ट है बैक क्रॉस व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन F1 प्रोजेनी एंड डोमिनेंट पेरेंट्स, कार्ड, क्या कहते हैं इसको हम? बैक क्रॉस। इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो आएगा 1:1 का, डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशियो आएगा 1:1:1 का। ठीक है, वो पढ़ाएंगे बाद में बताएंगे सब, अभी तो मैं सब क्लू दे रहा हूँ। क्या कह रहा? आउट क्रॉस। आए तो एनिमल केस में यार, ये सब वो तो आर्टिफिशियल में बता रहे हैं। ये बैक का ही टेस्ट है ये। वहाँ पर
जो आप एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते क्या, आप आउट क्रॉस क्रॉस ब्रीडिंग ये सब कर रहे हैं, ये तो आप आर्टिफिशियली ही कराएंगे ना, समझ रहे हैं ना। आपका जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री में, यहाँ प्लांट की बातें हो रही है, अभी करेक्टर के विषय में आ रहा है, तो वही वही वाला उसमें भी आएगा, समझ रहे हैं ना। ये प्लांट एनिमल चाहे इसका कराइए, करेक्टर आपको मिलना चाहिए, बात खत्म हो गई, हो गई। इरेज कर दे, अगला पढ़ने जा रहे हैं आप सेवन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट का सेवन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, विरोधात्मक लक्षण, सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट का सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या है। पहला, साइज ऑफ प्लांट का साइज क्या था, टाल एंड ड्वार्फ, बोलिए ना, टाल एंड ड्वार्फ। दूसरा कैरेक्टर क्या था, हो गया, दूसरा कैरेक्टर, हाँ साहब बोले, साइज ऑफ सीड, ठीक है। साइज ऑफ सीड था, रुक जा भाई, साइज ऑफ सीड था नहीं, हाँ यार, बस इनसे पूछ रहे थे क्या कंडीशन बता सकते हैं, ये मॉनिटर है, कौन काम के हैं। शेप ऑफ सीड का शेप कैसा होगा, राउंड और रिंकल्ड, कलर ऑफ सीड येलो और ये विरोधात्मक है, येलो और ये ग्रीन, तीन हुआ। फिर चौथा, पॉड का शेप कैसा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब फ्लैट जो होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसका हम लोग निमोना वमोना खाते हैं वही वाला है, और जिसका छोला खाते हैं वही वाला है, देसीवा मटर एको कहते हैं। एक इधर देखो, ये आजाद पीवन, चाइना नहीं, आजाद पीवन है,
जिसका हम लोग फली खाते इससे मिलना चालू हो जाएगी। और देसी मटर छोटी छोटी होती है उसका मटर निकलता है, जिसका छोला आप खाते हो ये फ्लैट चाइना मटर नहीं कहते यार उसको, अब जो बोलते होंगे जो भी बोले हमसे का मतलब है। यह देखो फ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड ना दिया क्या। नेक्स्ट है कलर ऑफ पार्ड, कलर पार्ड का कलर भी कैसा है, येलो और ग्रीन। हम आप फ्लैटेड फ्लैटेड दोनों क्या है कोई मतलब नहीं, इन फ्लैटेड को चाहे फ्लैटेड को बतिया क्या होगी, येलो और ग्रीन समझे हो। पियर का मटर हरियर का मटर हाँ हाँ अच्छा हाँ ठीक, इसको इधर लिख सकते हैं हाँ, ग्रीन डोमिनेंट वाला है, येलो ये वाला इधर लिख देते हैं सही है। फिर छठा फ्लावर का कलर डोमिनेंट कलर कौन होगा, पर्पल होगा और वाइट होता है, समझ रहा है ना, वायलेट नहीं पर्पल और वाइट होगा कि वायलेट दिया हुआ है, वायलेट दिया है VIOLET वायलेट एंड वाइट। ये हो गया डोमिनेंट, हम दे नहीं रहे थे लेकिन डोमिनेंट अब लिख दे रहे हैं, और ये हो गया रिसेसिव। छठा सातवा है फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर पोजीशन दो प्रकार का होता है, एक होता है टर्मिनल और एक एक्सिलरी। तो कौन डोमिनेंट है इसमें, एक्सियल या एक्सिलरी कहते हैं उसको, समझ रहे हैं ना। और टर्मिनल कैसा होता है, टर्मिनल रिसेसिव होगा। फ्लावर का पोजीशन ये हो गया, ये बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस में दो, एक हो गया एक्सिलरी टर्मिनल, एक्सिलरी और टर्मिनल दिया कि नहीं दिया है। डोमिनेंट में कौन है और टर्मिनल कौन है, टर्मिनल मतलब समझते हैं, एक्सिलरी मतलब जानते हैं ना, जानते हो बहुत अच्छे लड़के यार। अगर ये मटर का पौधा है, ये इधर से निकल रहा है फ्लावर, इधर से निकल रहा फ्लावर सीड बन जा रहे हैं, तो ये कौन हो गया, एक्सिलरी एक्सिस से निकल रहा है। अब अगर ऊपर से ही पूरे फ्लावर कहाँ निकलें, ऊपर से ही निकलें देखो इधर, तो ये कैसा हो गया टर्मिनल, सॉरी हाँ टर्मिनल, टर्मिनल मतलब क्या, एकदम अपेक्स पर से, वही टर्मिनल एंड हुआ ना, ये टर्मिनल एंड मतलब अंतिम छोर, और इधर एक्सिस मतलब बगल बगल से निकलेंगे, ठीक है। ये लोग का मटेरियल देखो, ये लोग बहुत चिंता में पड़े कौन मटर, तो ऐसा देखवा ना करें मटेरियल को। हाँ इस बार हम हाँ अब ऐसा कर हाँ, ये बार देखे हो, ये वाला आप आई जाइएगा उससे कर दीजिएगा ऐसा है कि हमको हाइब्रिड वाला दे दे जो ऊपर गुच्छे में फरता है, वो तुरंत तो दे दे जैक सीड की दुकान पे कदम। अरे ठीक है, तो ये भी हाइब्रिड दूसरी वैरायटी खाली कर, अच्छा ठीक ना है, तो खाली जाओ और ले कर बो दियो, अभी बुआ का समय है,
कहते हमसे हम में जो 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 गुच्छे में फरता है गुच्छे में, हाँ सुनो, जो गुच्छे में फरता है वो बता दे तो दे दे, गुच्छे मतलब क्या बंच में तो दे देगा, यहाँ बंच में डेवलप होगा। अब सुनो, अमू का बना रख नहीं बना होता, मटर बो जाए कब, हमें क्या परेशानी है। तो मैंने क्या बताया था, देखिए सुनो, सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, सात जोड़ी विरोधात्मक लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विरोधात्मक लक्षण प्लांट पी प्लांट के कौन कौन हैं। पहला मैंने बताया साइज ऑफ प्लांट, साइज ऑफ प्लांट में टाल और ड्वार्फ, टाल मतलब लंबा, ड्वार्फ मतलब बौना, जो टाल प्लांट है वो डोमिनेंट है, ड्वार्फ प्लांट जो है वो रेसेसिव है। फिर मैंने शेप ऑफ सीड बताया, सीड का शेप राउंड होगा रिंकल्ड, जिसका छोला खाते हैं वो राउंड है और जिसका फली खाते हैं वो कौन है रिंकल्ड, समझ रहे हैं ना, चुचका हुआ उसको बोलते हैं रिंकल्ड। और कलर्स, कलर ऑफ सीड येलो और ग्रीन, मटर पौधा जो येलो, मटर का सीड जो येलो होगा जिसका छोला खाते हैं वो येलो है, जिसका हम नहीं खाते हैं वो क्या है ग्रीन, समझ रहे हैं ना, हो गया। इसके बाद पार्ट का शेप फ्लैटेड मतलब क्या होगा, जरा सा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, एकदम फ्लैट होगा, वो देसी मटर होगा, इसको देहाती भाषा में कहते हैं, आप समझ रहे हैं, तो वो डोमिनेंट होगा। कॉन्स्टिट्यूटेड वाला क्या होगा, जिसका हम लोग इधर देखो, इधर देखिए, जिसका हम वो खाते हैं क्या बोलते हैं निमोना वगैरह खाते हैं वो कौन है, ये कॉन्स्ट्रक्टेड है, जो बड़ी बड़ी होती है छिमी, उसकी पार्ट इसकी बड़ी बड़ी होती है। अब पार्ट अम्मा कुल खा यार, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता, मैं कह रहा हूँ जनरली जो बात बता रहे हैं। अब देखो पार्ट कलर ग्रीन और येलो, जो आप देखिएगा जो ग्रीन होता है, जो सॉरी क्या लिखे, ग्रीन और येलो, यहाँ पे ग्रीन वाला डोमिनेंट है पार्ट और येलो वाला क्या है रेसेसिव, ज़्यादातर आपको कौन मिलेगा ये मिलेगा, कम ये मिलेगा, गेहूं में जो बोते हैं ये वाला दिखाई देगा। इसके बाद फिर फ्लावर का कलर वायलेट और वाइट, अगर वायलेट और वाइट का क्रॉस करा देंगे तो तीन आपको वायलेट मिलेगा, एक ठो वाइट मिलेगा, तो वायलेट वाला कौन है डोमिनेंट है, वाइट वाला क्या है रेसेसिव है, आपको याद करना पड़ेगा। ये फ्लावर का पोजीशन एक्सिलरी और टर्मिनल, एक्सिलरी मतलब क्या होगा अगल बगल से निकलेगा, और टर्मिनल मतलब एक बंच के रूप में एक टर्मिनल रिंग से निकलेगा। ये हो गया क्या, किसके विषय मैंने बताया, ये मैंने बताया आपको सारी बातें एक सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के विषय में। अब देखिए ये सभी एनसीईआरटी में फिगर के साथ दिखाया हुआ, आप देख लीजिएगा, जो परेशानी की पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद जो पढ़ना है का पहला हाँ सुनो, इधर देखो नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है मैं आपको बताया था, अगला इसमें सिंगल जीन इनहेरिटेंस दिया होगा, उसमें देखिए सिंगल जीन इनहेरिटेंस, सिंगल जीन इनहेरिटेंस, सिंगल जीन इनहेरिटेंस,
इसमें है पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का नियम किसे कहते हैं? पूर्ण प्रभाविता का नियम। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस पूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए इधर, या इसी को सिंगल जीन इनहेरिटेंस है, ये इसी को देहाती भाषा में बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसका डेफिनेशन है व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन, जो लिख देना सिंपल में क्या याद कर ली, व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन एफ वन जनरेशन ओनली वन पेयर, ओनली वन कैरेक्टर अपीयर, ओनली वन कैरेक्टर अपीयर व्हाइल अदर कैरेक्टर इज मास्क्ड, अदर कैरेक्टर इज मास्क्ड। दोस कैरेक्टर those character which appear in F1 generation called dominant character, विच आर मास्क्ड, जो मास्क कर जाता है, विच आर मास्क्ड, जो मास्क्ड हो जाता है, कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव कैरेक्टर व्हेन एफ वन प्रोजेनी अलाउ टू बी सेल्फ क्रॉस, जब एफ वन प्रोजेनी को हम अलाउ करते सेल्फ क्रॉस के लिए, अलाउ टू बी सेल्फ क्रॉस इन एफ टू जनरेशन, फीनोटिपिक रेशियो इज, फीनोटिपिक मतलब बाहर से, फीनोटिपिक रेशियो इज 3:1, 3:1, वाइल जीनोटिपिक रेशियो इज, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। ये डिफिनीशन है, ये 770 नियम है। इसको अगर आप चेकर बोर्ड से बना के देखते हैं
देखो इधर कैपिटल टीटी का क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टीटी से। कैपिटल टीटी मतलब टाल हो गया, स्मॉल टीटी मतलब ड्वार्फ हो गया। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, लेकिन दोनों होमोजाइगस हैं। दोनों क्या हैं? होमोजाइगस। अगर इसका आप क्रॉस कराते हैं एक मेल बना, इसका क्रॉस कराते हैं एक फीमेल बना, बोलिए ना, तो यफ वन प्रोजेनी है। ये कौन है? यफ वन जनरेशन है ना। तो कैसा बनेगा? टाल बनेगा सब का सब, मगर कैसा होगा? हेटरो जाइगस होगा। देख लीजिए, टाल होगा मगर हेटरो जाइगस। नहीं समझ आ रहा है? कैपिटल टाल इधर गए टीटी से, स्मॉल को स्मॉल टीटी से, दोनों का क्रॉस कराए तो अगर एक मेल एक फीमेल बना, तो अगर एफ वन प्रोजेनी हुआ ना, ये एफ वन जनरेशन, बोलो ना, अरे एफ वन जनरेशन है, सबके सब क्या होंगे? टाल, और भी कैसे होंगे? हेटरोजाइगस। अगर इनका हम आपस में क्रॉस करेंगे तो चेकर बोर्ड बना लेंगे, पुन्नेट चार्ट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आपके बुक में से तिरछा करके दिखाया है, तो उसके लिए ना घबराइएगा, सर जी कहाँ ऐसा कर दिए। बाजा देखो, एक तरफ को तिरछा इसलिए किया है कि ये इधर वाला दिखाई दे, इधर वाला दिखाई दे, हम आपको दिखा दे रहे। देखो इधर, इधर मेल वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर फीमेल वाला है कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी टी को मिलाएंगे दोनों, कैपिटल टी स्मॉल, जो इसके सामने पड़ेगा उसको लिखना है। कैपिटल टी इधर सब मिल लिखा दिया, ये देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे भी स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी टी। देखियो, टाल हो गया, टाल हो गया, टाल हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। ड्वार्फ होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन रेशियो का होना जरूरी है। तो यह रेशियो क्या आ गया? फीनोटाइप क्या मिला आपको? फीनोटाइप रेशियो क्या मिला? रेशियो जो मिला 3:1, अर्थात 3 टाल होगा और 1 क्या होगा? 1 ड्वार्फ होगा। ठीक है? और अगर इसको क्या देख रहे हैं? जीनोटिपिक रेशियो। अगला जो है जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, रेशियो तब क्या दिखाई देगा? 1:2:1। एक देखो होमोजाइगस टाल है, 2 हेटरोजाइगस टाल हैं। या आप जीन देखेंगे, एलील्स देखेंगे इसका, ये एलील होमोजाइगस है। अरे बोलो यार, हाँ, तो ये एक हो गया होमोजाइगस, फिर 2 कैसे हेटरोजाइगस हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 हेटरोजाइगस हो गया, जीन देखना इसमें, और फिर एक कैसा होगा? होमोजाइगस हो गया, ड्वार्फ। तो ये अनुपात आ गया 1। इसका अर्थात एक ये होमोजाइगस है, एक ये होमोजाइगस है, और लेकिन 2 ये क्या है? हेटरो है। 2 क्या है? हेटरोजाइगस। तो ये जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो है। इसी को आप में 4/ ऐसे कर दिया होगा, 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 1, वैसे 4 में से 3 और 4 में से 1, ऐसे करके दिया होगा। ऐसे घबराइएगा मत सर जी, ऐसे बता दिए कहे। नहीं समझ में आई बात? एकदम धुमक तरह करोगे इसको और कहीं फंसोगे नहीं आप। यही एग्जांपल नहीं है, यही तो बताया जाता है, खाली एग्जांपल बहुत सारे हैं। किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया आपको? आया जी? इधर आपको, इधर हो अमन, एकदम आ गया है? पूछ सकते हैं? अच्छा, समझ रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम है?
हो गया, इरेज करें अब, इरेज क्या, चलते हैं फिर मिलते हैं बाद में, कल, बाय।